उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है जिसमें अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दोस्तों यह रेल हादसा शुक्रवार की शाम को हुआ है। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हालांकि इस हादसे में कुल 3 ट्रेनें शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की 7 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसा लगता है कि मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। इस हादसे को लेकर पहले हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकराई और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस पीछे से आ गई, जिससे यह हादसा और भयावह हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में जख्मी अन्य यात्रियों को सोरो CHC गोपालपुर, CHC और खांटापाड़ा PHC में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसके अलावा 32 लोगों की NDRF की एक और टीम रेस्क्यू के लिए भेज दी गई है। दोस्तों इस भयावह घटना में 50 एम्बुलेंसों को लोगों को ले जाने के लिए लगाया गया है, लेकिन घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसें जुटाई जा रही हैं। रेलवे ने एक बयान में कहा, ट्रेन नंबर 12841 चेन्नई सेंट्रल से शालीमार जा रही थी। ये ट्रेन 2 जून को 3:30 बजे शालीमार के लिए रवाना हुई। शाम 8:30 बजे खड़गपुर डिवीजन के तहत आने वाले बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। अप और डाउन दोनों ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे ने किया हेल्पलाइन नंबर जारी। तो दोस्तों चल लिए जानते हैं कि रेलवे ने कहां-कहां हेल्पलाइन नंबर किया जारी। हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर, शालीमार, रेलमालर 5 ट्रेनों को रद्द किया गया। चेन्नई में कंट्रोल ऑफिस और स्पेशल बूथ खोला गया है। वहाँ हेल्पलाइन नंबर और स्क्रीन पर दिखाई जा रहे नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं हादसे के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से अभी तक 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है।